हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दिस इज़ ए बेसिक पीपीटी ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम जो डिस्कस कर रहे होंगे वो टोटली बेसिक जो होता है प्रोपोर्शन के अंदर एंड रेशियोज के अंदर वो हम डिस्कस कर रहे होंगे और वन बाय वन जो है आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी कि इसके अंदर बेसिक होता क्या क्या चीज़ है। बेसिक में अगर देखो बच्चों हम बात करते हैं तो कुछ एक वे हैं हर एक टीचर के कराने के, तो कुछ एक उसी वे से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। मैं बार बार कुछ एक टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उनसे गो थ्रू आपको करा देता हूँ। सबसे पहले आती है नॉर्मल वैल्यूज़। फुल चैप्टर में मैं ये टर्म्स बार बार यूज़ करूँगा तो दैट्स वाई मैं टर्म्स से पहले रिलेट करा रहा हूँ। एक होगा कॉमन वैल्यूज़। ये जो टर्म्स हैं आप बार बार जो हैं इनको यूज़ देख पा रहे होंगे इन थ्रू आउट द वीडियोज़। तो नेक्स्ट बच्चों होता है रेशो। दिस इज रेशो वैल्यू या रेशो टर्म, वैल्यूज कह लो या इसको टर्म भी कह लो, ठीक है जी। देखो नॉर्मल वैल्यू मैं किसको कहना चाहता हूँ। नॉर्मल आई मीन टू से लेट्स टेक अ एग्जांपल, दैट इज 30 और 50 में कोई भी दो नंबर पिक कर लेता हूँ, दे आर नॉर्मल। अभी यहाँ पे कोई भी रेशो की एप्लीकेशन जो है हमने नहीं लगाई है, ना अभी तक हमने कोई भी एक्स्ट्रा जो है एप्लीकेशंस यहाँ पे जो है यूज़ किए हैं। तो अब यहाँ पे क्या है बच्चों, कॉमन वैल्यू के अंदर आपने इन दोनों में से कॉमन ढूंढना है। और वी नो दैट इट कैन बी रिटन एज 3 × 10 और ये होगा 5 × 10। दैट मीन्स कि दोनों में जो कॉमन वैल्यू है दैट इज 10, ठीक है जी। अगर यहाँ से भी मैं कॉमन वैल्यू को हटा देता हूँ तो इट विल बिकम 3, और यहाँ से अगर कॉमन वैल्यू को मैं हटा देता हूँ दैट इज 10 और ये बनेगा 5। बेटा जो कॉमन वैल्यू को बच्चों हटाने के बाद जो वैल्यूज़ बच जाती हैं, जो टर्म्स बच जाती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रेशो बोलते हैं। और इस सिंबल को रेशो के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज योर रेशो, ठीक है जी। तो इस वे से आप लोग जो है रेशोज़ को वे अपने अपने होते हैं रिप्रेजेंट करने के, यही वे आपका रेशो का है जो आप लोग अपने हिसाब से जो है यूज़ कर सकते हो। अब बच्चों लेट्स से कि रेशो बनाए कैसे। अब इसी चीज़ को देखो, 30 और मेरे पास 50 है, हमने इनकी रेशो बनानी है। जस्ट इनके कॉमन टर्म्स हमने डिलीट करनी है, तो ये जो मिनिमम कट करने के बाद जो वैल्यू होगी वही आपकी रेशियो रहेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 8 और 16 ले लेते हैं। देखो अगर मैं इसको 2 पे कट करता हूँ तो इट विड बी 4 और 8। अगेन 2 पे करे 2 और 4, अगेन 2 पे करे 1 और 2। तो बच्चों ये जो चीज़ बनेगी दिस इज़ योर रेशियो, ये नहीं ये नहीं, ये जो चीज़ बन रही होगी आपकी ये रेशियो बन रही होगी। यहाँ पे कॉमन वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे कॉमन वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे कॉमन वैल्यू अलग होगी। फर्दर इसमें से हम कुछ कट नहीं कर पाते, ठीक है जी। अब देखो रेशियो लेने का मतलब तो ये भी हुआ ना, अगर 8 और 16 को अगर मैं एक दूसरे से डिवाइड कर देता हूँ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो ये कट जाएगा और बचेगा क्या, 1/2, राइट। अब ये क्या होगा, यही तो मेरा रेशियो था 1:2, ठीक है जी। दैट मीन्स कि अगर कोई टर्म मेरे पास ए रेशो बी में है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ए डिवाइड बाई बी भी हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। होपफुली आपको यहाँ से सिर्फ ये 3 टर्म्स जो है समझनी है आप लोगों ने, कि मैं नॉर्मल किसको बोल रहा हूँगा जिसके अंदर कुछ भी कट नहीं हो रखा है, डिवीजन नहीं हो रखा है, रेशो की कोई एप्लीकेशन अप्लाई नहीं हो रखी है। कॉमन किसको बोल रहा हूँगा, जो इन दोनों में से मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया होगा उसको मैं कॉमन वैल्यू बोल रहा हूँगा, और कॉमन निकालने के बाद जो चीज़ बच जाती है तो उसको हम रेशो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, विदाउट रेशो के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे रेशो बोलते हैं। चलो जी आगे देख लेते हैं। अब कुछ एक टर्म्स हैं बच्चों, वी हैव सम टर्म्स, कि इन चीज़ों को किस वे से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, बार बार वो टर्म्स पेपर में यूज हो रही होती हैं। जस्ट अभी आप लोगों ने एक चीज़ निकाली दैट इज ए रेशो बी, ठीक है। ये चीज़ फाइंड करनी सीखी, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी कराया था जिसका आंसर आया 1:2। जो ये फर्स्ट टर्म होती है, जो आपकी फर्स्ट टर्म है इन इस रेशो के अंदर दैट इज ए, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है जी। और जो बी जो सेकंड टर्म है, जो सेकंड टर्म रेशो आने के बाद, यानी कि जो कि यहाँ पे 1 है यहाँ पे मेरी 2 है, राइट। ए रेशो बी अगर मैं लिखता हूँ तो ये जो 2 है ये उसका कॉन्सिक्वेंट आपका, राइट, सेकंड टर्म आपकी, राइट।
अब आता डुप्लीकेट रेशो। अगर डुप्लीकेट रेशो की बात करें तो निकालने कैसे, वर्ड बार बार रिपीट होंगे ये पूरे चैप्टर के अंदर। लेट से वी हैव गिवन ए रेशो बी, और कहता है जी इसका डुप्लीकेट निकाल के दिखाओ, या डुप्लीकेट गिवन है सिंपल रेशो निकाल के दिखाओ। तो इसका डुप्लीकेट क्या होता है बच्चों, जस्ट इसका स्क्वेयर कर दो, पावर टू रेशो बी रेस टू द पावर टू, ये क्या रहेगा इसका डुप्लीकेट। ऐसे ही आप सब डुप्लीकेट भी निकाल सकते हो। लेट से वी हैव गिवन अ रेशो ए रेशो बी, और इसका आपने सब डुप्लीकेट निकालना है, तो किस वे से निकालोगे, जस्ट पावर को 1/2 कर देना है, राइट, बी रेस टू पावर 1/2, दैट मीन्स इट विल बिकम ए अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट और बी अंडर रूट, ठीक है जी, ये चीज़ बन जाएगी। नेक्स्ट बनता है आपका ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट में होता है पावर ट्रिपल कर दो, यानी पावर 3 कर देते हैं, ए रेस टू द पावर 3 रेशो बी रेस टू द पावर 3, ये क्या बन जाएगा ट्रिप्लीकेट ऑफ ए रेशो बी। सब ट्रिप्लीकेट सेम पावर जो है, लेट से ए रेशो बी गिवन है, पावर को 1/3 कर देना, जैसे आपने सब लग गया तो पावर 1/3 होगी, राइट, बी रेस टू पावर दिस, दैट मीन्स इट्स ए क्यूब रूट, दिस इज ए क्यूब रूट ऑफ ए रेशो क्यूब रूट ऑफ बी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो के अंदर क्या क्या होता है अपना, लेट से कि वी हैव गिवन सम रेशोज, ए रेशो बी मुझे गिवन है, सी रेशो डी मुझे गिवन है, और ई रेशो एफ गिवन है। तो ये कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज़्यादा रेशोज को कंबाइन करके सिंगल वन जो है रेशो बनाना, ठीक है। चलो जी, ये तीन रेशोज बच्चों मुझे गिवन है और मैंने इनको कंबाइन करके जो है सिंगल वन रेशो जो है बनानी है, तो इनकी कंपाउंड रेशियो क्या होगी बच्चों, जस्ट अपर टर्म्स को यानी फर्स्ट टर्म को या एंटीसीडेंट को एक जगह पे मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ई डिवाइड बाय, और रेशियो दिस इज बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई एफ, ठीक है जी। ये जो भी रेशियो बनेगी, ये रेशियो क्या बनेगी बच्चों, आपकी कंपाउंड रेशियो जो है यहाँ से बन रही होगी। तो आई थिंक आपको एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट डुप्लीकेट रेशो सब डुप्लीकेट रेशो ट्रिप्लीकेट रेशो सब ट्रिप्लीकेट रेशो और कंपाउंड रेशो, ये कुछ एक टर्म्स हैं, आपको यहाँ से इनके थ्रू गो थ्रू आप हो चुके होंगे, आपको पता लग चुका होगा कौन सी टर्म क्या चीज़ कहती है, एक बार लिख के देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। साथ में आपने नॉर्मल वैल्यूज़ मैंने किसको बोला है ये चीज़ पता होनी चाहिए, आपने कॉमन वैल्यू मैंने किस चीज़ को बोला है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एंड रेशो टर्म्स क्या चीज़ होती हैं आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। प्लस 3 वैल्यूज़ ये मेरे पास हैं, कुछ एक टैग नेम्स ये मेरे पास हैं, इन टैग नेम्स के साथ आप लोगों को गो थ्रू होना है, सो दैट कि पूरे चैप्टर में जहाँ पे मैं बार बार इनको यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम उसको समझ आने में ना आए, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं, अगर रेशोज़ अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको रेशोज़ गिवन हैं तो आप लोग उन चीज़ को हैंडल कैसे करोगे, ठीक है। लेट से वी हैव गिवन डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रेशोज़, लेट से सम पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन पार्ट यूज़ करते हैं, फर्स्ट टाइप यूज़ कर लेते हैं। पहली टाइप बच्चों मेरे पास आती है, दैट इज़ कॉल्ड पी बाई क्यूज फॉर्म, दिस इज पी बाई क्यूज फॉर्म, ठीक है जी। अब पी बाई क्यूज फॉर्म में क्या क्या हो सकता है बच्चों, और क्या क्या हम अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं, वो चीज़ जो है यहाँ पे कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। लाइक पी बाई क्यू, पी बाई क्यू का मतलब मेरे पास क्या होता है, लेट से वी हैव गिवन ए रेशो बी रेशो सी मेरे पास गिवन है, वी हैव गिवन 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4, ऐसी कोई रेशो गिवन है। भाई देखो, जो रियल में यूजेबल जो रेशो होती है, इफ वी हैव गिवन ए रेशो बी और वो 1:2 गिवन है, इट इज़ ए परफेक्ट रेशो, हम इजी टू यूज़ है, यूज़ तो इसको भी कर सकते हैं, बट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू यूज़ दीज काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ रेशोज। तो इनको हम सिंपल फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड सिंपल या नॉर्मल फॉर्म ऑफ रेशो, दिस इज सिंपल फॉर्म, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, तो हमने क्या करना है, ये सिंपल फॉर्म में बनाना है। अब सिंपल फॉर्म में बनाएंगे कैसे, आप लोग करोगे क्या, नीचे वाली टर्म्स का जो नीचे आपको टर्म्स गिवन है उनका आपने एलसीएम लेना है, नीचे वाली ये वाली टर्म्स, और एलसीएम से जस्ट मल्टीप्लाई कर देना, यानी आप क्या करोगे, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4, ठीक
ठीक है, इनका एलसीएम लोगे, लेट से एलसीएम लेने की ट्राई करते हैं। दिस इज इन, देखो वी हैव गिवन 1/2, 1/3 और 1/4, और 4, 3 एंड 2 का जो एलसीएम है, देखो 2 एंड 4 का मेरे पास 2 आएगा, और 4 एंड 3 का एलसीएम जो टोटल बनेगा वो मेरे पास 12 बन रहा होगा। तो ठीक है, मैं जस्ट 12 से जो है इस पूरी इक्वेशन को जो है मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, दैट इज मल्टीप्लाई विद 12, दिस इज 12, यहाँ पे भी लिख देते हैं 12 एंड 12। आपने किया क्या है, एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम से जस्ट मल्टीप्लाई करना है, हर जगह पे एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। 2 से कट आउट किया तो 6 आ जाएगा बच्चों, 3 से कट आउट किया तो 4 आ जाएगा, 4 से कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये नॉर्मल फॉर्म बन चुकी होगी। दैट मीन्स ये जो रेशियो थी और ये जो बन के आ चुकी है, बोथ रेशियोज आर इक्वल, बट वो दिखने में अलग वे से हैं, हैंडल करने में अलग वे से हैं। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू हैंडल, बट इट इज़ टू वे से, ये काफ़ी ईजी है, आप इजिली इस चीज़ को हैंडल कर पाओगे पेपर के अंदर। तो ये तो थी क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ जो है भाई आपकी रेशियोज। सेकेंड फॉर्म में देखते हैं, अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ रेशियो किस वे से होगी, दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ रेशियो, लेट्स से इट इज डिवीजन फॉर्म, दिस इज डिवीजन, डिवीजन फॉर्म में अगर आपको जो है रेशियोज गिवन है। अब डिवीजन फॉर्म में बच्चों कैसे होगा, लेट्स से वी हैव गिवन ए रेशियो, लेट्स से ए डिवाइड बाई बी, दिस इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई 4, दिस इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई 5, और आप आगे लेना चाहो तो इट्स योर विशेस। इस फॉर्म में जो है रेशियोज आपको गिवन है, और आपने बताना है आंसर जो है क्या बनेगा, यानी आई मीन टू जस्ट फाइंड ए रेशियो, बी रेशियो, सी, मुझे इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ भी करने की लोड नहीं पड़ती है, आई मीन टू से यहाँ पे आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी का मतलब ये है, जो भी नीचे एज इट इज वैल्यूज हैं, जो भी आपके पास नीचे एज इट इज वैल्यू हैं, वही आपका डायरेक्टली रेशियोज हैं। दैट मीन्स कि ये क्या बनेगा, 3:4:5 ओनली, यही आपका रेशियो रहेगा, कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करना, डायरेक्टली यही आपका रेशियो। ठीक है जी, होपफुली आपको दो फॉर्म समझ आई होंगी, पहली पी बाई क्यू फॉर्म, सेकेंड फॉर्म थी मेरे पास डिवीजन फॉर्म, और थर्ड फॉर्म की तरफ मूव करते हैं बच्चों, और थर्ड फॉर्म मेरे पास आती है यहाँ पे, दिस इज थर्ड फॉर्म मल्टीपल फॉर्म, दिस इज मल्टीपल फॉर्म। अब मल्टीपल फॉर्म में बच्चों मेरे पास क्या होता है, मल्टीपल फॉर्म में लेट्स से वी हैव गिवन सम रेशियोज, लाइक यहाँ पे मेरे पास गिवन है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c जो है मैं ले लेता हूँ। अब रेशियो मल्टीपल्स में है, एज वी कैन से देर इज ए मल्टीपल्स ऑफ abc, ठीक है, और आई हैव टू जस्ट फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, मैंने ये चीज़ जो है यहाँ पे फाइंड करनी है। अब बच्चों यहाँ पे करना क्या है एक्चुअल में, अब यहाँ पे आप लोग करोगे क्या, जस्ट आप डिवाइड करोगे, जस्ट आप डिवाइड यहाँ पे करोगे मल्टीपल्स के एलसीएम से, आप क्या करोगे मल्टीपल के एलसीएम से जस्ट यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, और मल्टीपल्स का एलसीएम आया 12, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आया है एलसीएम 12, 12 से आपने डिवाइड करना है। लेट्स से डिवाइड कर लेते हैं, 2a डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 3b डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 4c डिवाइड बाई 12, ठीक है जी, कट आउट कर लेते हैं, 2 से ये 6 पे कट आउट हुआ, उस 6 को यहाँ पे लिख लो, 3 से ये 4 पे कट आउट हुआ, उस 4 को यहाँ पे लिख लो, 4 से ये 3 पे कट आउट हुआ, इस 3 को यहाँ पे लिख लीजिए, और ये क्या बनेगी आपकी एक परफेक्ट रेशो बन जाएगी। दैट मीन्स कि ये रेशो और ये रेशो दोनों की दोनों क्या है अपने पास इक्वल हैं, जस्ट उनको देखने का वे अलग है और हैंडल करने का वे अलग है, बाकी सब सेम है। ठीक है जी, लेट्स मूव टू द फोर्थ वन टाइप, एंड फोर्थ वन टाइप बनती है मिक्स्ड फॉर्म, दिस इज मिक्स्ड फॉर्म ऑफ रेशियो। मिक्स फॉर्म में मेरे पास क्या गिवन है, लेट्स से वी हैव गिवन ए डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2b डिवाइड बाई 3 इक्वल टू
थ्री सी डिवाइड बाई फोर, लेट्स से ऐसा कुछ मेरे पास यहाँ पे जो है गिवन है। और एज वी नो वी हैव टू जस्ट फाइंड कि ए रेशो बी रेशो सी यहाँ पे क्या होगा, हमें तो सिर्फ उस चीज़ से लेना देना है। ठीक है जी, चलो फाइंड करने की ट्राई करते हैं। अब इसके लिए कुछ एक इजी स्टेप्स हैं। आपने क्या करना है यहाँ पे, लेट से बाई डिफॉल्ट विल बी वन। अब जो भी यहाँ पे मल्टीपल्स होंगे, ये जो भी यहाँ पे मल्टीपल्स बन रहे होंगे, जस्ट उनका एलसीएम लेना है और डिवाइड कर देना है। मतलब एलसीएम से आपने डिवाइड करना है, राइट? एलसीएम से आपने डिवाइड कर देना है। तो दैट वुड बी ए डिवाइड बाई टू इक्वल टू टू बी डिवाइड बाई थ्री इक्वल टू थ्री सी डिवाइड बाई फोर। तो टू और थ्री एंड वन, राइट? वन टू थ्री का जो एलसीएम बनता है वो सिक्स, तो मैं सिक्स से जस्ट नीचे डिवाइड कर देता हूँ और जस्ट नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कटआउट तो नहीं होगा, इन दो को मल्टीप्लाई करोगे इट वुड बी 12, ये टू से कट आउट होगा, दिस वुड बी थ्री एंड इट इज़ 9, ये थ्री से कट आउट होगा टू पे, इट विल बिकम 8। तो फाइनली यू विल गेट अ रेशो, ए रेशो बी रेशो सी एज इट इज़ 12:9:8, और ये बिल्कुल सेम है जो आपने वहाँ से पिक की थी। यू कैन सी इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू यूज़, आप इसको इजिली यूज़ कर पाओगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के बाद। करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, आप डिटेल में चाहो तो डिटेल में मैं बता सकता हूँ, बट वो सिर्फ क्या होगा, लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा, पेपर में यूज़ करने का टाइम नहीं होता, तो आपको शॉर्टकट पेपर्स के लिए पता होने चाहिए। हम यहाँ पे मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट डीलिंग विद एप्टीट्यूड, राइट? मेंटल सेंस, मेंटल एबिलिटी के ऊपर काम करना है, तो आपको थोड़े वो शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। ठीक है जी, चलो जी, लास्ट वन फॉर्म तक पहुँच चुके हैं। लास्ट वन फॉर्म है फिफ्थ वन। फिफ्थ वन फॉर्म को बोलते हैं डेसिमल। ठीक है जी, डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म में मेरे पास क्या गिवन है, लेट से वी हैव गिवन ए रेशो बी, ये क्वाइट इजी सा रहता है, और लेट से ये गिवन मेरे पास क्या है यहाँ पे 2.1:0.42 ले लेते हैं, ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है, और हमने तो नॉर्मल फॉर्म में बताना है कि रेशो क्या बनेगी इस वजह से। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में पॉइंट के बाद की जीरोस को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद दो जीरो हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक जीरो है, बैलेंस कर लेते हैं, बाद में कितनी भी जीरो लगा लो, पॉइंट के बाद कभी भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट बैलेंस होने के बाद आप लोग ये चीज़ हटा सकते हो, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट का कोई रोल नहीं रह जाता, डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 21 वन ज़ा 10, और ये टू पे, टू से ये फाइव पे, और ये वन पे, तो यू विल गेट 5:1। दैट मीन्स अब ये रेशो और ये रेशो बिल्कुल सेम है। एज यू कैन से वी हैव गिवन 22.1:0.42, और उसको कन्वर्ट करके हमने बना लिया है 5:1। अब ये दिखने में हमें भी पता है काफ़ी डिफिकल्ट है यूज़ करने में, बट इट इज़ क्वाइट इजी टू यूज़, आप इजीली इस चीज़ को यूज़ कर पाओगे। ठीक है, होपफुली आप लोगों को कन्वर्जन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे वो आपके यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे कि किस वे से आप लोग अपनी रेशोज को दूसरी फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म, इजी टू यूज फॉर्म में आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हो। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव हाउ टू कंबाइन रेशोज। कंबाइन, कम्बिनेशन ऑफ रेशोज की बात करते हैं। लेट से वी हैव गिवन देयर कि देयर इज 3:4 रेशोज कह लो, जितनी भी टाइप के रेशो लेना चाहो। पहले मैं टू से स्टार्ट कर लेता हूँ। ए रेशो बी गिवन है और बी रेशो सी गिवन है। लेट से 2:3 गिवन है और ये 4:5 गिवन है। एंड हमने बताना है ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। ठीक है जी, ये चीज़ जो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। अब देखो, इस चीज़ को फाइंड करने के लिए जो नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल मेथड मुझे क्या कहता है कि यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, जो भी बी है, बी दोनों रेशोज में कॉमन है, इट हैव टू बी द विद द सेम वैल्यू, ये सेम वैल्यू जो है होनी चाहिए। तो ठीक है, सेम बना लेते हैं। इस वाले को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट मीन्स इसको भी 4 से करना पड़ेगा। इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 3 से करना पड़ेगा। इट विल बिकम 8, इट इज 12, दिस वुड बी 12 एंड इट इज 15। आप देखो, जो बीच की वैल्यू थी, जो दोनों में कॉमन थी, हमने उसको सेम बना लिया, राइट?
सेम बन चुका, तो जस्ट वैल्यू रख लेते हैं, ये 8 है भाई, ये 12 है और ये 15 है, कंबाइन करने के बाद वो सेम रेशियो आपके ऐसे ही बन रही होगी। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आता है, देखो यहाँ से मैं बी रेशियो सी निकाल के देख लेता हूँ। अगर बी रेशियो सी निकालता हूँ, दिस इज 12:15, 3 से अगर कट करते हो तो ये आएगा अगेन सेम रेशियो आ चुकी होगी जो आपने पिक की थी। ठीक है, दिस इज जनरल मेथड जो 9th 10th या आई थिंक इट्स 7 8th में जो सिखाया जाता है, ये वो मेथड। ठीक है, लेट्स से कंबाइन करने का एक शॉर्टकट जो है यहाँ पे यूज़ करने की ट्राई हम लोग करते हैं। देखो वी हैव गिवन दीज वैल्यूज, दे आर 2:3, ए रेशो बी, बी रेशो सी मेरे पास गिवन है 4:5, दिस इज 4:5। ठीक है जी, ये वैल्यू जो है बच्चों मेरे पास यहाँ पे गिवन है। अब इससे आगे इन चीज़ों को हम कैसे यूज़ करें, कैसे हैंडल करें, वो चीज़ देखते हैं। देखिएगा कुछ गैप होल यहाँ पे बन चुके होंगे, गैप होल आई मीन टू से कि देखिएगा अगर इस रो को मैं कंप्लीट करना चाहूँ, देर इज अ गैप, ये वाला जो गैप आपको दिख रहा है, इस रो को अगर कंप्लीट करना चाहें तो यहाँ पे भी एक गैप होल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा जो एक बॉक्स, एक सर्कल टाइप बॉक्स जो भी है आपका, इसको अगर फिल करना है तो नेबर से फिल करो, नेबर इसका क्या है 3:3 को जो है यहाँ पे लिख दो। अब इसका नेबर, इस वाले बॉक्स का जो नेबर है वो क्या है आपका 4, उस 4 को यहाँ पे लिख दो। ठीक है जी, दैट मीन्स कि 4 × 8, 4 × 2 अगर हम करें इट विल बिकम 8, 4 × 3 इट इज 12, 5 × 3 इट वुड बी 15। आपको सेम रेशियो जो है वहाँ पे मिल जाएगी जो रेशियो आपने इक्वेट करके की थी, राइट। होपफुली थोड़ा सा आप लोगों को दोनों मेथड्स में डिफ्रेंशिएट आपने कर लिया होगा, दोनों मेथड के डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। एक और मैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन ले लेता हूँ। लेट्स से वी हैव गिवन ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी और लेट से डी रेशियो ई, ये सब मेरे पास जो है गिवन है। इट इज़ 1:2, 1:2, 1:2 एंड 1:2, कुछ भी आप ले लो, आपकी अपनी चॉइसेस हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चन समझने के लिए ये सब कर रहा हूँ। वी हैव गिवन ए रेशियो बी, रेशियो सी, रेशियो डी, रेशियो ई जो है बच्चों मैंने यहाँ पे बनाना है। अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को और इजी बनाने के लिए जस्ट वैल्यूज लिख लो। दिस इज ए रेशो बी 1:2, बी रेशो सी 1:2, सी रेशो डी 1:2 और डी रेशो ई दिस इज 1:2 अगेन। ठीक है जी, अब गैप होल्स मेन है कि वो कौन से गैप होल्स आपके पास बने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वही है और उन्हीं के थ्रू जो आपका आंसर निकलेगा। लाइक यहाँ पे एक सर्कल ये वाला है, ये वाला गैप है, ये वाला ब्लैंक ब्लैंक, दिस वन ब्लैंक राइट, और एक ब्लैंक यहाँ पे बन रहा होगा, एक ब्लैंक ये। अब यहाँ पे दो ब्लैंक बन रहे होंगे, यहाँ पे 3 ब्लैंक जो है बन रहे होंगे, हमने इनको फिल करना पड़ेगा, सभी को 1 by 1 फिल करना पड़ेगा तभी आंसर बन पाएगा। इसको जो फिल करेंगे नेबर से 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 होगा, ये वाला 2, 2, 2, दिस वन 1 1 1, ये 1 यहाँ पे, ये वाला 1 का नेबर यहाँ पे, हमने नेबर से फिल करना है सेम रो में नेबर। दैट मीन्स देखो इस सर्कल का नेबर यहाँ पे रो में कौन बनता है 1, तो इस 1 को यहाँ पे पुट करना है, राइट। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट इज़ 1, दिस इज़ आई सॉरी दिस इज़ 2, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, आई थिंक दिस इज़ 8 और दिस विल बिकम 16। दैट मीन्स यू विल गेट ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई, दिस इज़ 1:2:4:8:16। आपने सभी रेशोज़ को इकट्ठा एक जगह पे कंबाइन कर दिया, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड कम्बिनेशन ऑफ रेशियो। अब 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी चाहे आप रेशियोज को एक ही स्टेप के अंदर कंबाइन वहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि जो पुराना मेथड था, इस पुराने मेथड में प्रॉब्लम्स आती है कैलकुलेशंस की कि कितनों को सेम बनाओगे। पहले आपने यहाँ पे आप सिर्फ 2 को कंबाइन कर सकते हो, फिर अगर यहाँ पे सी रेशियो डी था आपका, अगर ये भी गिवन है तो इसके लिए दोबारा से आपको सेम बनाना पड़ता है, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क जो है बन जाती है, राइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो एक
और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट्स से कि वी हैव गिवन है ए रेशो बी, और मेरे पास गिवन है ए रेशो सी, और यहाँ पे गिवन है बी, कुछ भी ले लेते हैं, लेट्स से सी रेशो डी मेरे पास गिवन है, इनको मैंने कंबाइन करना है। हम दिस इज़ 1:2, 3:2 और 1:2 ले लेते हैं, ठीक है जी। अब देखिएगा बच्चों, कंबिनेशन के लिए देर इज़ ए कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जो कॉमन वैल्यू है वो मिड पॉइंट बनना चाहिए। लाइक यहाँ पे कॉमन वैल्यू मिड पॉइंट बन रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे तो नहीं बन रहा, तो आप इसको क्या करोगे, रिवर्स कर लोगे। इट कैन बी रिटन एज बी रेशो ए, दैट इज 2:1, ए रेशो सी 3:2, सी रेशो डी 1:1, बन गया मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स सबके कॉमन बन चुके होंगे। अब बी रेशो ए रेशो सी रेशो डी को आप कंबाइन कर सकते हो, दिस इज 2:1, 3:2, 1:2। तो कंबाइन करने का सेम वही रूल है, दोबारा से अप्लाई कर लेते हैं। ये वन यहाँ पे, ये वन यहाँ पे, ये टू जो है यहाँ पे भाई, ये वन यहाँ पे, ये वाला वन यहाँ पे, ये थ्री जो है आपका यहाँ पे, इट विल बिकम टोटल आई थिंक 6, और ये बनेगा 3, और ये बनेगा 2, और ये बनेगा 4, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग यहाँ पे रेशियोज को कंबाइन कर सकते हो। होपफुली आप लोगों के डाउट यहाँ से क्लियर हो गए होंगे कि किस वे से आप लोगों ने रेशोज को कंबाइन करना है, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट वी हैव प्रपोर्शन। अभी हमने कंबिनेशन भी कर लिया है, लेट्स सी कि प्रपोर्शन कहाँ पे यूज होता है। चैप्टर नेम इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। व्हाट इज प्रपोर्शन? प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? दो रेशियोज का कंपैरिजन करना, वो प्रपोर्शन के थ्रू होता है। लिखते कैसे हैं, वी हैव गिवन ए रेशो बी, और प्रपोर्शन का सिंबल होता है ये चार डॉट, यहाँ पे सी रेशो डी, ठीक है जी। अब कुछ एक टैग नेम्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। टैग नेम्स क्या हैं बच्चों? जो ये फर्स्ट टर्म है इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, प्रपोर्शन वन कह लो, ठीक है जी, फर्स्ट प्रपोर्शन। ये जो सेकेंड टर्म है ये वाले, इसको बोलते हैं सेकेंड प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन, और ये वाले को बोलेंगे हम फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है जी। जो बीच में ये दो हैं, इन दो को बोलते हैं मीन्स, ठीक है जी। लास्ट टू जो एक्सट्रीम प्रोडक्ट्स हैं, जो बिल्कुल एंड पे हैं, उनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, ठीक है जी। देर इज ए रूल, देर इज ए रूल, कि रूल क्या कहता है जी, प्रोडक्ट ऑफ, वी हैव अ रूल दैट इज प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये रूल अपने पास है, दैट मीन्स मीन्स का प्रोडक्ट होगा ये वाली चीज़, और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मेरे पास होगा ए मल्टीप्लाई डी, यही होगा, राइट, ठीक है जी। तो ये तो बना आपका प्रपोर्शन। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रपोर्शंस मेरे पास यहाँ पे गिवन है। अब इसी को एक दूसरे वे से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक यहाँ पे तो दो रेशियोज को कंपैरिजन की बात हुई है, तो वो दो रेशियो क्या कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकते, कंबाइंड फॉर्म आई मीन टू से दिन में एक चीज कॉमन हो। लाइक वी हैव गिवन, इसी को थोड़ा सा दूसरे पेन से यूज कर लेते हैं। वी हैव गिवन ए रेशो बी प्रपोर्शन टू बी रेशो सी, अगर हो यहाँ पे तो एक वैल्यू कॉमन आ चुकी है ना। अब दो रेशोज में अगर एक वैल्यू अपने पास कॉमन है तो तब क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट प्रपोर्शन होगा, वी नो दैट, ये सेकेंड प्रपोर्शन होगा, वी नो दैट, बट ये थर्ड कैसे हो सकता है, ये तो सेम है। दैट मीन्स ये भी क्या होगा, सेकेंड प्रपोर्शन होगा, और ये थर्ड प्रपोर्शन होगा, यहाँ पे फोर्थ प्रपोर्शन होता ही नहीं है, इस वाले केस में फोर्थ प्रपोर्शन बनेगा ही नहीं आपका, ठीक है। रूल सेम है, दे आर मीन्स, दे आर एक्सट्रीम्स, ठीक है जी, सेम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और ये चीज बच्चों बनेगी बी मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई सी, और यू कैन से बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी,
एंड बी विल बिकम अंडर रूट ऑफ ए सी। ठीक है, बहुत से बुक्स में आपने ये फॉर्मूला ड्राइव्ड वहां पे देखा भी होगा। ठीक है, दैट मीन्स प्रोपोर्शन के आपके पास दो फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म और ये सेकेंड फॉर्म। अब इन दो फॉर्म्स को यूज देखते हैं कि कहां पे कैसे पता लगे कि कौन सी फॉर्म को आपने अप्लाई करना है। लेट्स सी, देयर इज टू क्वेश्चंस, टू थ्री टू फोर, लेट्स सी दिस इज फोर एट, फाइंड फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन आपने बताना है। वी हैव गिवन 9 4, फाइंड सेकेंड प्रोपोर्शन, यहाँ पे सेकेंड प्रोपोर्शन जो मैंने बताना है। ठीक है जी, अब देखिएगा यहाँ पे वैल्यूज 3 गिवन है तब एक आंसर पूछता है, यहाँ पे वैल्यूज जो 2 गिवन है तब आंसर पूछता है। जहाँ पे वैल्यू 3 गिवन होगी तो फर्स्ट टाइप यूज होगा, जहाँ पे वैल्यू 2 गिवन होंगी वहाँ पे ऑलवेज सेकेंड टाइप ऑफ प्रोपोर्शन यूज होगा। यहाँ पे क्या है, वी हैव गिवन ए बी, दैट मीन्स सी रेशो डी बी होगा यहाँ पे, ये फाइंड करना, इसको एक्सपुट कर लो, ये 4 2, ये 4 और ये 8, we know that these two or these two, that would be 8x will be equal to 8 or x have to be equal to 1, easily आप लोग find कर सकते हो। same in this way we have a b proportion to, अब b ratio c लेना पड़ेगा क्योंकि दो values use की हैं, दो value देके आपसे answer पूछना चाहता है, ये second type बनेगा और second proportion यानी ये पूछा है तो ये भी x होगा और ये होगा 9, ये होगा 4, that means these two product have to be equal to 9 and 4 product. We have x squared that is equal to 36, 9 multiply 4, x will be equal to 6. तो x की value आपके पास 6 यहाँ से आ जाएगी। ठीक है जी, hopefully दो type के proportion थे, आप लोगों को clear हुआ होगा और इस चैप्टर का जो बेसिक है इसी के साथ बेसिक भी काफ़ी ख़त्म हो जाता है। अब जितना भी बेसिक अभी तक हमने किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे उसी के ऊपर कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यूज़ करते हैं कि पेपर में वो किस वे से पूछा जाता है और कितनी फास्टली आप लोगों ने उसको अटैम्प्ट करना है। टिल देन थैंक यू सो मच।